हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज एडजेक्टिव्स। तो बच्चों, हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने वी डिस्कस डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं, एग्जाम्पल्स हमने करी थी। यहाँ पे आज हम करेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की, कितने जो है डिग्री होती है। थ्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। तो एग्जाम्पल भी करेंगे बच्चों। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री को कैसे हम चेंज करके, चाहे IAST जोड़ते हैं या ER जोड़ते हैं, तो किस तरह से हम चेंज करते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सारे बच्चों ने रिवाइज किया होगा घर में टॉपिक को एडजेक्टिव्स। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन नहीं समझ में आया ये है, या काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आपके समझ में नहीं आया, तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन दिस लेक्चर। तो बच्चों, अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। एनी डाउट? अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है, कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है, तो आप लोग माइक ले सकते हैं। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हम बच्चों ओवरव्यू देखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू द सेम। ओके, तो ऑल दीज वर्ड्स आर योर एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स हम कहाँ यूज करते हैं? बिफोर नाउन। नाउन क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा हम पहले कर चुके हैं, नाउन एंड प्रोनाउन ऑलरेडी वी डन। आज हम कर रहे हैं एडजेक्टिव, इसकी भी हम डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। Cheap, expensive, bad, good, insane, clever, sorry, all these words are called your adjective, विशेषण। Next हमने discuss करा था definition, तो अभी थोड़ा सा overview देखते हैं इसका कि what is the definition? Definition क्या बच्चों? An adjective is a word used to describe or modify, किसको describe करता है, modify करता है, noun को और pronoun को, clear? In a sentence, क्या indicate करते हैं हमें कि वो अच्छा है, बुरा है, उसकी क्वालिटीज को बताता है, या नंबर्स को बताता है, क्वांटिटी को बताता है कि कितना नंबर्स है, फ्यू है, सम है, लिटिल है, डेफिनेट भी बताता है, फोर है, फाइव है, इनडेफिनेट भी बताता है, एग्जैक्ट नंबर भी हमें पता चलते हैं, और इनडेफिनेट अनिश्चित मीन सम, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द टैंक, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप से जो है हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, क्लियर। तो एडजेक्टिव हमें क्या बताते हैं बच्चों? क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट्स, मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। कहीं भी सेंटेंस में आपको लगता है कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ये एडजेक्टिव्स है, क्लियर। एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे कि व्हाट काइंड, हाउ मेनी, ये इस टाइप के क्वेश्चन आप जो है माइंड में पुट कर सकते हैं कि व्हाट काइंड, व्हाट, हाउ मेनी, विच वन, हाउ मच, राइट। तो यहाँ पे क्या है? डेंजरस, स्टैंड, दैट, मोर, ये क्या है? सारे हमारे एडजेक्टिव्स हैं। ये हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। कहीं पे अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, क्लियर। फर्स्ट टाइप का क्या होता है बच्चों? क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। तो क्वालिटेटिव, आपको वर्ड से मीनिंग पता चल रहा है बच्चों, क्वालिटी किसी के बारे में बता रहे हैं, वो अच्छा है, क्वालिटी बता रहे हैं उसको, टॉल है, शॉर्ट है, इंटेलिजेंट है, तो ये क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं नाउन की, क्लियर। ही इज अ क्लेवर बॉय, अब बॉय क्या है आपका? नाउन है। नाउन के बारे में कैसे बता रहे हैं? क्लेवर है, तो उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं कि कैसा है वो। तो यहाँ पे भी क्वालिटेटिव, किसी के बारे में आपको पता चल रहा है, क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है। पेन कैसा है? रेड पेन है, ब्लैक पेन है, ब्लू पेन है, तो किसके बारे में बता रहे हैं हमें? नाउन के बारे में बता रहे हैं, संज्ञा के बारे में बता रहे हैं कि कैसा है वो, ब्लैक है, रेड है। तो ऑल दीज वर्ड्स आर योर क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है, क्योंकि किसके बारे में बता रहे हैं वो? नाउन के बारे में बता रहे हैं, क्लियर। तो क्वालिटेटिव, तो वर्ड से आपको क्लियर है क्वालिटेटिव। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों क्वांटिटेटिव, अब यहाँ पे भी आपको वर्ड से क्लियर है कि क्वांटिटी, राइट। तो क्वांटिटी भी टू टाइप्स की बताएंगे, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट हमने पढ़ी थी बच्चों कि डेफिनेट को भी फर्दर टू में डिवाइड किया था, एक थे आपके कार्डिनल नंबर जो आपने मैथ्स में पढ़े थे, ऑर्डिनल नंबर्स,
कार्डिनल नंबर्स होते हैं बच्चों 1, 2, 3, 4, 5। एग्जैक्ट नंबर अगर आप बात करते हैं तो होते हैं हमारे एडजेक्टिव, डेफिनेट या कार्डिनल नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव। दूसरे होते हैं क्वाड्रिनल, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, सीरीज बताते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम ऑर्डिनल नंबर्स। बट दोनों क्या कहलाते हैं आपके डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा इसी के अंडर आता है आपका इनडेफिनेट, मीन्स अनिश्चित। जब हम कह रहे हैं सम, फ्यू, लिटिल, तो हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे बच्चों, कुछ कह रहे हैं हम, राइट? तो ये वाले वर्ड्स क्या कहलाएंगे आपके? इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि आई हैव फोर रूम्स, तो रूम्स कितने हैं? फोर। तो नंबर्स बता रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं, तो ये क्या है आपका? डेफिनेट। हम कह रहे हैं यहाँ पे देयर इज अ लिटिल वाटर इन द टैंक, तो हम क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा पानी है। एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे कि 2 है 4 है, हम क्या कह रहे हैं? लिटिल वाटर इन द टैंक। तो लिटिल क्या हो गया बच्चों आपका? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे क्या बताया है बच्चों, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज माई फर्स्ट कार। कार क्या है आपका? नाउन। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट कार है, तो डेफिनेट नंबर बता रहे हैं हम। तो ये है आपका ऑर्डिनल नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव। नेक्स्ट नहीं बता रहे हैं हम, देयर आर टू पीपल, तो कितने लोग हैं? दो लोग हैं, राइट? तो नाउन बता रहे हैं कि कितने हैं? टू हैं। तो इट इज योर डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, दैट इज योर कार्डिनल। द गेम इज स्टार्टिंग इन 2 आवर्स, एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं, डेफिनेट नंबर बता रहे हैं, दैट इज योर कार्डिनल नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर? मैनी, फ्यू, लिटिल, ये क्या है? इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, टेक द माइक एंड क्लियर योर डाउट्स। कुछ पूछना है बच्चों? नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको रटना नहीं है बच्चों, समझना है। जैसे क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव से हमें पता चला क्वालिटी के बारे में पता चल रहा, क्वांटिटेटिव से हमें पता चला क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है कि एग्जैक्ट नंबर है या कम नंबर है या इनडेफिनेट है। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव कि डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट? डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ईच गर्ल हैज अ बुक, इट मीन्स क्या है? एक ग्रुप है लड़कियों का और हम कह रहे हैं क्लास में, हम कह रहे हैं ईच गर्ल हैज अ बुक, कि प्रत्येक लड़की के पास किताब है। तो ईच डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर किसको रेफर करते हैं? एडजेक्टिव रेफर टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। जैसे यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां बैठी है तो हम क्या बोल रहे हैं? ईच गर्ल। अगर बहुत सारे बॉयज और गर्ल्स बैठे तो हम कहेंगे ईच स्टूडेंट। अगर बॉयज हैं तो हम क्या कहेंगे? ईच बॉयज हैज अ बुक। क्लियर? तो ईच गर्ल हैज अ बुक, ईच बॉय वाज गिवन एन एप्पल, प्रत्येक लड़के को क्या दिया गया है? एप्पल दिया गया है। एवरी मैन इज इमोशनल, ईदर बुक इज योर्स, कि यहाँ पे बहुत सारी बुक है उसमें से हम कह रहे हैं ईदर बुक इज योर, कि ये तुम्हारी बुक है। नीदर नेगेटिव के लिए आता है, नीदर बॉय इज हैंडसम, मीन्स बहुत सारे लड़के हैं और हम कह रहे हैं नीदर, इसमें से कोई भी लड़का जो है हैंडसम नहीं है, नीदर। क्लियर? तो ईच, एवरी, नीदर, ईदर, सारी वर्ड्स क्या कहलाएंगे आपके? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर? सिमिलरली इंट्रोगेटिव, अब वर्ड से आपको पता चल रहा है इंटरोगेटिव क्या होता है बच्चों? प्रश्न वाचक, राइट? बट आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को यूज करेंगे तो इसके बाद क्या यूज करेंगे? हम नाउन को यूज करेंगे। क्लियर? जैसे अगर मैंने बोला वाई, तो पहले हम क्या यूज करेंगे? वाई के बाद नाउन को यूज करेंगे। अगर नाउन यूज नहीं करेंगे तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट फॉलोड बाय ए नाउन और ए प्रोनाउन। या तो क्या होगा? इधर नाउन होगा या क्या होगा आपका? प्रोनाउन होगा। क्लियर? विच, व्हाट, हू, दीज वर्ड्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एडजेक्टिव इफ अ नाउन। अगर यहाँ पे नाउन यूज नहीं करेंगे तो ये एडजेक्टिव नहीं कहलाएंगे। इज इट क्लियर बच्चों? अगर हम विच, व्हाट, हूज, विच के बाद अगर नाउन यूज नहीं करेंगे और वर्ब यूज करेंगे, देन इट इज नॉट योर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर बच्चों? तो कंफ्यूज ना करें, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल, विच फोन डो यू यूज, कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो, तो वाई विच के बाद हमने क्या यूज करा है बच्चों? विच, विच के बाद फोन, फोन क्या है आपका? नाउन है, ऑब्जेक्ट है। व्हाट गेम,
गेम, हुज कार, नाउन, विच रोड। तो यहाँ पे हमने देखा कि जितने हमने इंट्रोगेटिव वर्ब्स को यूज करा है, उसके बाद हमने क्या यूज करा है बच्चों, नाउन, तभी ये कहलाएंगे आपके इंट्रोगेटिव एब्जेक्टिव। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे यहाँ पे लिखा हुज बुक, बुक क्या है आपका, नाउन। विच कार, कार क्या है आपका, नाउन। तो इस तरह से आप अपने माइंड में रखें कि अगर डब्ल्यू एच वर्ड्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स को हम यूज करेंगे इन अ सेंटेंस तो मस्ट फॉलोड अ नाउन और ए प्रोनाउन। तो उसके बाद नाउन भी होना, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, दोनों में से एक को यूज करेंगे तभी ये इंट्रोगेटिव करेगा, अदरवाइज इट इज नॉट कंसिडर्ड एज इंट्रोगेटिव एब्जेक्टिव। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों डिमोन्स्ट्रेटिव एब्जेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेट करना, दिस दैट दीज दोज क्या है ये आपके डिमोन्स्ट्रेटिव है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में होगा तो हम क्या कहेंगे, क्लोज टू द स्पीकर। अगर क्लोज टू द स्पीकर होगा तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर में दिस, प्लूरल में दीज। अगर फार अवे फ्रॉम द स्पीकर होगा तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर में दैट, प्लूरल में दोज यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों, इनका भी आपको ध्यान में रखना है, अगर दिस दैट दीज दोज यूज करें तो मस्ट फॉलोड अ नाउन और ए प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है बच्चों, कि संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता जो वर्ड बताते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव। दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड, तो हम क्या कह रहे हैं, दूर कोई बिल्डिंग है, हम इंडिकेट करेंगे दैट बिल्डिंग। तो बिल्डिंग क्या है आपका, नाउन है, राइट। दिस कार, कि ये जो कार है मेरे पास, ये किसकी है, माइन। तो दिस कार है, दिस रेफर्स टू ए सिंगुलर नाउन। क्लियर? यहाँ पे भी क्या है, सिंगुलर नाउन के लिए हमने किसको यूज करा है, बिल्डिंग के लिए दीज कैट्स। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी कैट्स हैं और नियर टू द या क्लोज टू द स्पीकर है, तो हमने क्या यूज करा, दीज। सिमिलरली दोज फ्लावर्स, बहुत दूर रखे हैं और हम कह रहे हैं दोज फ्लावर्स आर हेवनली, तो दोज रेफर्स टू ए प्लूरल नाउन फार फ्रॉम द स्पीकर। तो सिंपल से आपको क्या याद करना है, कि जो हमारे पास हैं चीजें उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस सिंगुलर के लिए, दीज प्लूरल के लिए, दैट एंड दोस। यहाँ पे देखें, इसको अच्छी तरीके से याद करें, दिस क्या है, एब्जेक्टिव है, ये एब्जेक्टिव तभी कहलाएगा जब हम इसके बाद क्या यूज करेंगे बच्चों, नाउन या प्रनाउन को यूज करेंगे। दिस सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए, विसिनिटी मीन्स कहाँ पे है वो, क्लोज टू द स्पीकर, पास में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉल किसके पास है, स्पीकर के, तो हम क्या बोलेंगे, आई लव दिस बॉल। क्लियर बच्चों? तो बॉल क्या है आपका, नाउन है, तो हमने नाउन से पहले यूज करा है दिस, तो ये क्या कहलाएगा आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव एब्जेक्टिव। क्लियर? सिमिलरली दैट नंबर इज योर सिंगुलर, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, अब देखो यहाँ पे ये स्पीकर है, इससे दूर यहाँ पे बॉल है, तो ये इंडिकेट कर रहा है और सिंगुलर है, तो क्या बोल रहा है ये, आई लव दैट बॉल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉल क्या है आपका, नाउन है। क्लियर? तो दैट इज, या आई लव दैट बॉल, दीज प्लूरल क्लोज टू द स्पीकर, दीज ट्रीज, अब बहुत सारे ट्रीज हैं, क्लोज टू द स्पीकर, तो हमने क्या यूज करा, दीज। सिमिलरली दोज प्लूरल के लिए यूज करते हैं, फार अवे ऑफ द स्पीकर, स्पीकर से दूर है बच्चों। क्लियर? तो क्या बोलेंगे हम, लेट्स से देयर बाय दोज ट्रीज, क्योंकि क्या है ये, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, आपके सामने आपकी बुक रखी है तो आप कहेंगे, क्या बोलेंगे, दिस बुक इज माइन, बट अगर दूर होगी तो क्या बोलोगे, That book is mine. ठीक है बच्चों? तो पास और दूर का आपको याद में रखना है, सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान में रखना है। सिंगुलर होगा तो क्या यूज करेंगे, दिस, उसके बाद क्या यूज करना है बच्चों आपको, नाउ, चाहे आपका बैग के लिए यूज करें, दिस बैग, दैट बैग, दीज बैग्स, दोज बैग्स, अगर दूर होंगे तो क्या बोलोगे, दोज बैग्स। क्लियर? तो और डिटेल में हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका पॉसेसिव, अब पॉसेसिव क्या होता है बच्चों, ऑनरशिप, जिसमें आपको पता चलता है कि ये मेरा बैग है, राइट, माई बैग, आर बैग, तो यहाँ पे क्या है, ऑनरशिप पता चल रहा है आपको,
क्लियर, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, माई हिज आर। पॉसेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स पोसेशन और ऑनरशिप, राइट, बिलोंगिंग समवन और समथिंग। माई कार, तो कार क्या है आपका, नाउन है। तो हमेशा ये याद रखना कि चाहे पॉसेसिव हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव हो, चाहे क्वांटिटेटिव हो, चाहे क्वालिटेटिव हो, कहाँ यूज करना है आपको, बिफोर नाउन और प्रोनाउन। क्लियर बच्चों, माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड, हिज कैट, उसकी कैट, आर जॉब, हर बुक्स। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि ओनरशिप पता चल रहा है, बिलोंग कर रहा है बुक को, बिलोंग कैट को बिलोंग कर रहा है, कार को बिलोंग कर रहा है, तो क्या है यहाँ पे ओनरशिप पता चल रहा है। क्लियर, तो हमेशा यही याद रखना है, जैसे अभी हमने बताया, लुक एट दिस पिक्चर, अगर पॉसेसिव प्रोनाउन, डिफरेंस देखें दोनों में, कंफ्यूज ना करें, क्योंकि यही वर्ड्स हम कहा, पॉसेसिव प्रोनाउन को अगर हम यूज करेंगे तो कब यूज करेंगे, वर्ब के वर्ब से पहले, यहाँ पे हम क्या कैसे यूज करेंगे, बिफोर नाउन। पॉसेसिव एडजेक्टिव कहाँ यूज करेंगे, बिफोर नाउन। क्लियर बच्चों, तो ये डिफरेंस है, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो ये वर्ड पॉसेसिव प्रोनाउन है, बट इसमें नाउन को यूज नहीं करना है बाद में, क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, दोज वर्ड्स विच वी यूज इन इन द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह जिनको यूज करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर, तो यही डिफरेंस है, पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज बिफोर नाउन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों प्रॉपर एडजेक्टिव, तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनते हैं, प्रॉपर नाउन से। कैसे, अमेरिकन कार्स, तो अमेरिका क्या है बच्चों, जैसे कल मैंने पहले बच्चों से भी क्वेश्चन पूछा था, राइट आंसर दिया था, अमेरिका क्या है आपका, प्रॉपर नाउन। अमेरिकन क्या हो गया बच्चों, प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया क्या है आपका, प्रॉपर नाउन। इंडियन क्या हो गया आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव। सिमिलरली इटली इटालियन, एशिया एशियन, राइट, अफ्रीका अफ्रीकन, अमेरिकन कार्स, तो ये क्या है, नाउन। नाउन से पहले हमने यूज करा है प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर, तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या किससे यूज करना, आर यूजुअली कैपिटलाइज एज प्रॉपर नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से यूज करते हैं, सिमिलरली अमेरिकन, चाइनीज, इंडियन, अफ्रीकन, ये सारे वर्ड्स को भी आप किससे करेंगे, कैपिटलाइज। क्लियर, अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडियन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, चाइनीज पीपल आर हार्ड वर्कर, इंडियन पीपल्स आर हार्ड वर्कर्स। तो इस सेंस से प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पर यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको, आई लव इंडिया, अगर हम बोलेंगे आई लव इंडिया तो प्रॉपर नाउन होगा, अगर हम बोलेंगे आई लव इंडियन सोल्जर्स तो नाउन के पहले हम यूज करें हैं इंडियन, दैट इज वाई इट इज योर प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर, सिमिलरली यूएससी बिल्डिंग इज अ परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट इन अफ्रीका, तो हमने यहाँ क्या यूज करा है बच्चों, अफ्रीका। राइट, सिमिलरली वी आर गोइंग टू मीट एन अफ्रीकन ट्राइब, तो यहाँ पे अफ्रीकन क्या हो गया बच्चों आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर, नेक्स्ट है बच्चों आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमने पहले टॉपिक कर चुके हैं, ए एन दो आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित आर्टिकल कौन सा होता है बच्चों, किसी को पता है, याद है बच्चों, क्योंकि आर्टिकल्स हम कहाँ यूज करते हैं, बिफोर नाउन। कितने टाइप्स के आर्टिकल होते हैं बच्चों, तो बच्चों डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, एक निश्चित होता है और एक निश्चित। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों, आपको रटना नहीं है, आपको वर्ड से मीनिंग को समझना है, डेफिनेट मीन्स निश्चित, इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित। क्लियर बच्चों, तो डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द, और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं आपके ए और एन। तो बच्चों आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपने देखा होगा ए एन द को हम कहाँ यूज करते हैं,
बिफोर नाउन, क्लियर। तो आर्टिकल्स भी एक टाइप के क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि नाउन एक है, सिंगुलर है, प्लूरल है, या डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, तो हमें किससे पता चलता है, आर्टिकल से पता चलता है। दैट इज व्हाई आर्टिकल्स भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं, क्लियर। अ कैट, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में क्या है, ए कैट, द कैट, एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट। तो यहाँ क्या बता रहे हैं बच्चों, नाउन क्या है आपका, कैट, एनी कैट, नॉट ए स्पेसिफिक कैट, कोई भी कैट हो सकती है, राइट। दिस कैट, सॉरी द कैट, अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डेफिनेट कैट बोल रहे हैं, स्पेसिफिक कैट के बारे में बता रहे हैं, दैट इज व्हाई वी यूज द। तो घर में जाके रिवाइज करें, रिवाइज द टॉपिक, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड एडजेक्टिव, ये भी हम कर चुके हैं, जैसे यहाँ पे ब्रोकन डाउन है, ओपन माइंडेड है, हाई हील शू है, नाउन के बारे में बता रहे हैं, 6 फुट लॉन्ग क्या है, स्नेक है, तो स्नेक के बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर हम पढ़ रहे हैं बच्चों डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है, ही इज अ गुड बॉय। कंपैरेटिव क्या है, जो हम कंपेयर करें, ही इज बेटर देन एनीबॉडी, किसी से भी, एनी अदर बॉय, राइट। तो बेटर, बेस्ट, तो 3 डिग्री कौन कौन सी भी बच्चों, गुड, पॉजिटिव, बेटर हम कंपेयर कर रहे हैं, बेटर, बेस्ट हम पूरे ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज व्हाई सुपरलेटिव डिग्री। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ये ऑलरेडी हम एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो अभी मैं रिवाइज नहीं कर रही हूं, डिटेल में हम कर चुके हैं। और घर में जाके आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों इन द प्रीवियस लेक्चर, घर में आप लोग प्रैक्टिस करें। पॉजिटिव डिग्री, द फर्स्ट एंड बेसिक डिग्री, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि कहीं हम सेंटेंस बनाते हैं पॉजिटिव डिग्री को यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को, तो यू मस्ट नो कि बेसिक रूल क्या है इनके, कैसे हम यूज करते हैं, हाउ वी यूज पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री इन अ सेंटेंस, किसी भी वाक्य में कैसे हम यूज करते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। तो सारे बच्चे ध्यान दें, क्योंकि आप अभी 6th स्टैंडर्ड में हैं, आगे आपको बहुत जो है ऐसे लिखने हैं, कंपोजिशन लिखने हैं, लेटर राइटिंग करनी है, तो बेसिक जो हमारी डिग्री होती है दैट इज योर पॉजिटिव डिग्री। इसमें हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, एज और सो, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है एज गुड एज राम इज एज गुड एज श्याम, उसी की तरह जो है हम बता रहे कि एज गुड एज श्याम, बट अगर हम कंपेयर करेंगे बच्चों तो हम क्या यूज करेंगे, देन, क्या यूज करेंगे, हम देन यूज करेंगे, क्लियर बच्चों। तो सेकेंड डिग्री क्या है, हायर, इससे ऊंची डिग्री, पॉजिटिव से ऊंची, हायर फ्रॉम द देन पॉजिटिव डिग्री, बेटर, तो हम क्या यूज करेंगे, बेटर देन, तो जहां पे भी हम देन आता है तो हम क्या यूज करेंगे, बेटर देन। तो गुड का सेकेंड क्या हो गया आपका, बेटर, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, क्लियर। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट फ्रॉम द डिग्री, एग्जांपल बेस्ट, हाईएस्ट, अब इसके लिए आपको क्या यूज करना है, ईएसटी या मोस्ट हमको यूज करना है, हाईएस्ट, सबसे हायर, अभी हमने हाई, हायर, हाईएस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो हाई क्या होगी, पॉजिटिव डिग्री, हायर क्या होगी आपकी, कंपैरेटिव डिग्री, हाईएस्ट क्या होगी आपकी, सुपरलेटिव डिग्री। तो हमने यहाँ पे हाईएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल या गुड, बेटर, बेस्ट, क्लियर। तो इस तरह से ईएसटी और मोस्ट लगा के आप यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ पे बेस्ट, तो कुछ डिफरेंट होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये डिफरेंट है, तो ये इसका भी हम अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं कि गुड, बेटर, बेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, तो हाई, हायर, हाईएस्ट में हमने क्या करा बच्चों, देखो हाई, हायर, हाईएस्ट, ईएसटी यूज करा, ईआर यूज करा, ईएसटी यूज करा, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव
और ये सुपरलेटिव। अभी हम रूल पढ़ेंगे कि कैसे हम इनको चेंज करेंगे। कुछ रूल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, माइंड में रखने हैं, तभी जो है आपके समझ में आएंगे। फर्स्ट है ही इज अ गुड बॉय। ये अभी हमने डिटेल में पढ़ा कि अगर कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री है तो हमें क्या यूज करना है, एज या सो भी यूज कर सकते हैं, या सिंपल से ही इज अ गुड बॉय, बेटर देन, बेस्ट बॉय। पूरे ग्रुप से हम बात करें तो गुड, बेटर, बेस्ट। अब कैसे बनाना है, ये एक सिंपल रूल है कि ई आर ओ ई एस टी को एड करेंगे आप बेसिक जो है पॉजिटिव डिग्री में। अगर ई आर और ई एस टी आप यूज करेंगे तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो इसका ऐसा कोई विशेष रूल नहीं है। ई आर लगाना है, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, पुअरेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। क्लियर? तो ये नोट डाउन करें और घर में जाके और भी जो है आप इस टेबल को जो है ऐड करें इसमें। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यह है आपका कंपैरेटिव। और ये है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। इसमें थोड़ा सा आपको इजी रहेगा कि अगर किसी भी वर्ड के, सारे बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पे, किसी वर्ड में अगर पॉजिटिव डिग्री है और लास्ट में आता है आपका ई, लास्ट में क्या आता है बच्चों, ई, तो आपको क्या करना है, आर लगाना है इसमें, तो आपकी बन जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर? लास्ट लेटर इज ई। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें, लास्ट लेटर क्या है, ई, तो यहाँ पे क्या है, लास्ट लेटर इज योर ई। क्लियर? तो आपको क्या करना है, देन एड आर। अगर हम इसमें आर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? देन एड आर इन द कंपैरेटिव डिग्री, और एस टी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर बच्चों? देखो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, आर लगाना है इसमें तो क्या बन गया, वाइटर। अगर इसमें हम क्या यूज कर देंगे, एस टी, तो क्या बन जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। ठीक है बच्चों? ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो आपने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पे हमने क्या ऐड करा, आर। किसमें ऐड करा आपने, पॉजिटिव डिग्री में हमने ऐड करा। और किसमें ऐड करना है ये भी हमने बताया कि कोई भी वर्ड में लास्ट लेटर क्या आएगा, अगर ई आएगा देन यू क्या याद जोड़ना है आपको, आर कंपैरेटिव डिग्री में और एस टी इन सुपरलेटिव डिग्री। सिमिलरली बच्चों, वी यूज ई आर और ई एस टी व्हेन पॉजिटिव डिग्री लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। अब सब बच्चों को पता होगा कॉन्सोनेंट क्या होते हैं बच्चों, कितने हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, कितने हमारे लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, 5 आपके वोवल्स होते हैं, और 21 क्या होते हैं बच्चों आपके, कॉन्सोनेंट होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वोवल हो गए, इनको हटा देंगे तो क्या बन जाएंगे बच्चों आपके, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। राइट? ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं क्या हैं बच्चों आपके, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन। हिंदी में क्या बोलते हैं आप, व्यंजन, स्वर। क्लियर? तो जितने आपके 21 कॉन्सोनेंट है, अगर किसी पॉजिटिव डिग्री, क्लियर, ये आपकी कंपैरेटिव है, ये है आपकी सुपरलेटिव। तो आपको क्या करना है बच्चों, बिफोर कॉन्सोनेंट देयर इज अ वोवल एट ई आर। अब यहाँ पे देखो ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू को छोड़ के ये क्या है आपके वोवल। अब आपको वर्ड में क्या देखना है, जैसे यहाँ पे सेड है, सेड में डी क्या है आपका बच्चों, कॉन्सोनेंट है। क्लियर? और कॉन्सोनेंट से पहले क्या बताया है कि वोवल आना चाहिए,
और ए क्या है आपका? वॉवल। इज इट क्लियर बच्चों? ध्यान से देखे, थोड़ा आपको लग रहा होगा। तो किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले अगर वॉवल आता है, डबल द कॉन्सोनेंट। क्लियर? डबल द कॉन्सोनेंट, और उसके बाद आपको क्या लगाना है? ई आर। क्या लगाना है? ई आर। तो अगर हम डबल द कॉन्सोनेंट करेंगे तो डी डी हो जाएगा बच्चों, राइट? इसको हमने डबल कर दिया, इसके आगे हम क्या लगाएंगे? ई आर, सैडर। और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? डबल डी ई एस टी। क्लियर? ये कंपैरेटिव डिग्री में हो गया, और ई एस टी इन सुपरलेटिव डिग्री। तो ये कंटिन्यूएशन में है, यहां से ये ई आर इन कंपैरेटिव डिग्री और ई एस टी इन सुपरलेटिव डिग्री। यहां पे देखो बच्चों, तो सेट का क्या हो गया? सैडर, सैडेस्ट। तो हमने क्या करा यहाँ पे देखो, डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। सारे बच्चे फिर से देखें, यहाँ पे डी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है? वोवल है, तभी हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो सेट का क्या हो गया? सेडर। थिन का क्या होगा? कोई बच्चे को आता है? तो थिन का हो जाएगा थिनर, क्योंकि एन क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। एन क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। इससे पहले क्या है आपका? वोवल है। अगर वोवल नहीं होता तो आप नहीं चेंज करते। वोवल कौन सा वोवल है? आई। तो क्या हो जाएगा बच्चों? थीनर, डबल एन ई आर। क्लियर बच्चों? थीनर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीनेस्ट, डबल एन ई एस टी। डबल द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को आपको डबल करना है, और उसमें ई आर और ई एस टी को जोड़ना है टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। इज इट क्लियर बच्चों? सिमिलरली फैट, टी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। ए क्या है आपका? वोवल है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? डबल द कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट इज योर टी, तो टी का क्या हो जाएगा? डबल, टी टी ई आर, फैटर फैटेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, तो डबल टी। तो आपको क्या है रूल हमारा कि डबल द कॉन्सोनेंट, और क्या डबल द कॉन्सोनेंट, और कब करना है डबल द कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट जब हमारा कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल होगा, इन दैट केस ही आपको चेंज करना है, अदरवाइज नहीं चेंज करना है। इज इट क्लियर? कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल, इज इट क्लियर? डबल द कॉन्सोनेंट एंड एड ई आर, डबल द कॉन्सोनेंट एड ई एस टी। क्लियर? तो ये कुछ रूल है, आप लोग नोट डाउन करें और इसको लर्न करें। अगर आप लर्न करेंगे तो स्पेलिंग लर्न नहीं करनी पड़ेगी। कई बार होते हैं ना बच्चों को माइंड में नहीं आता, स्पेलिंग भी लर्न करें, तो अगर आपको ये रूल समझ में आ जाएगा तो इट इज वेरी इजी कि आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी डेफिनेशन। तो रटना नहीं है, लैंग्वेज को हमेशा समझना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट रूल इज We use I E R or I E S T। बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि I E R कहाँ लगाना, I E S T कहाँ लगाना है। तो बच्चों पॉजिटिव डिग्री में अगर लास्ट लेटर इज Y और Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट, तो इट मीन्स क्या है? कॉन्सोनेंट से पहले कॉन्सोनेंट। Y इज योर कॉन्सोनेंट, बट यहाँ पे हमारा फिक्स है कि Y से पहले हमें देखना है। कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, क्योंकि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं बच्चों? 21 होते हैं। तो 21 में से कोई सा भी कॉन्सोनेंट होगा बिफोर वाई, किससे पहले? बिफोर वाई। बिफोर वाई, लास्ट लेटर इज वाई एंड बिफोर वाई देर इज ए कॉन्सोनेंट, तो आपको क्या करना है? Y को इन द प्लेस ऑफ Y क्या यूज करना है आपको? I E R और I E S T। I E R और I E S T, इसको हटा देना है आपको, रिमूव करना है। अभी तक हमने रिमूव नहीं करा था,
हमने डबल करा था, अगर किसी कॉन्सोनेंट, कोई सा भी कॉन्सोनेंट है 21 में से, उससे पहले अगर कोई वॉवल है तो हमें क्या करना है, डबल द कॉन्सोनेंट करना है। बट अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपका वाई आता है और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो, तो आपको क्या करना है, इन द प्लेस ऑफ वाई यू हैव टू यूज आई ई आर और IEST। इजी का क्या हो जाएगा बच्चों, इजियर, इजिएस्ट। लेजी का क्या हो जाएगा, लेजियर, क्योंकि हम वाई को हटा रहे हैं और वाई की जगह आपको क्या यूज करना है, IER। तो लेजी का क्या हो गया, लेजियर, लेजियस्ट, हैवी, हैवियर, हैवियस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पियर। तो आज घर में जाके क्या करना है बच्चों, आपको ऐसे वर्ड ढूंढने हैं डिक्शनरी में या अपनी बुक में देखें, जिनके लास्ट में क्या होगा बच्चों, वाई, और वाई से पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21, और वॉवल कितने होते हैं आपके, 5, क्लियर। टोटल आपके होते हैं 26। वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ के जितने भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर होते हैं, सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट व्यंजन। तो आपको क्या देखना है कि वाई से पहले ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के कोई भी लेटर होता है तो आपको क्या करना है, उसको रिमूव करना है, उसकी प्लेस में आपको क्या यूज करना, IER और IEST। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने देखा है बच्चों, इससे पहले के रूल में क्या था बच्चों, कि लास्ट में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले क्या होना चाहिए, वॉबल। अगर कॉन्सोनेंट से पहले अगर कहीं वॉबल यूज है, डबल द कॉन्सोनेंट, और उसके बाद हमें ER और ST को यूज करना है। सैड, सैडर, सैडेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। तो घर में जाके आज आपको यही करना है बच्चों, दिस इज योर होमवर्क, कि जो हमने वर्ड्स बनाए हैं इनको और ज्यादा आपको लिखने हैं, सैड, सैटर। कल हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने घर में जाके कितने ऐड करे हैं, इसमें सैड है, कितने जो है कॉन्सोनेंट से पहले वोवल वाले वर्ड्स आपने ढूंढ करे हैं। तो बच्चों कल हम ये आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे, और ये जो आज बताया कि वाई के इंस्टेड ऑफ वाई आपको क्या यूज करना है, ये भी आप जो है घर में रिवाइज करें, क्योंकि अभी आपके समझ में आ जाएगा तो आगे इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।